हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम नाहरगढ़ फोर्ट से बाहर आए हैं और अभी हम जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। हाँ, तो अभी हम नाहरगढ़ फोर्ट से बाहर आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट। तो चलिए गाइस, चलते हैं। अभी आपने सुबह देखा क्या बढ़िया व्यू दिख रहा था यहाँ से, बहुत खूबसूरत जगह है। बाकी पूरा जयपुर हमने देख ही लिया वैसे देखा जाए तो, है ना? क्या बोलना चाहोगे आप यहाँ के बारे में, कैसा फील? बहुत अच्छी जगह है, एक बार तो आने के लिए है, एक बार तो आने पर एक बार तो आना ही चाहिए। हाँ, मतलब ये कि एक बार देखो तो सही कैसा है। पहले सबसे टॉप में, उसके बाद से थोड़ा नीचे। यहीं बीच में रुक के आप हवा महल भी देख सकते हो। बहुत बड़ी तोप, ये तो सारा राजपूताना ही है ना। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जयगढ़ फोर्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों ने कार लगाना चालू कर दिया, तो यहीं पे हम भी लगा लेते हैं अपनी कार। तो कुछ देखी देखी जगह यहाँ पे, आप यहीं पे भी अपनी कार पार्क कर सकते हैं। तो हम अपनी कार कर रहे हैं यहाँ पे पार्क। तो चलिए गाइस, पहले रोड कर लेते हैं पार्क, के बाद लेंगे हम टिकट। तो टिकट प्राइस 150 रुपीज़ पर पर्सन है, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री एंट्री है और 50 रुपये कार पार्क। तो चलिए करते हैं अंदर की ओर एंट्री। महाराजा सवाई जय सिंह ने इसको अपने डिफेंस के लिए बनवाया था, इस महल को, आई मीन इस किले को। और ये भैया भी हमें आके बता रहे हैं कि आप अपनी कार अंदर लेके भी आ सकते हैं, अंदर के लिए 100 रुपीज़ हैं। तो अब तो हम आ ही गए हैं, तो अब क्या ही कार लेंगे हम। एक छोटा सा टेरेस है यहाँ पे, तो सामने आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ दिख रही हैं, बहुत सुंदर, सारी पहाड़ी पहाड़ी है। यहाँ कुछ नहीं है, एनी हाय कर दो, देख के करना हाय ऐसे बोल। आज जल महल वहां से पार्क दिख रहा था थोड़ा, है ना? हेलो,
चौक के पास में। हाँ हाँ देखी थी। नहीं वाटर कैन, वाटर कैनाल नहीं, ऊपर वो पार पार्क ऊपर बनी हुई है। अच्छा अच्छा, बारिश का पानी स्टॉक करने के लिए। तो ये देखो वाटर कैनाल इधर आ गई। अच्छा, यहाँ वहाँ से यहाँ आ रही है। हाँ, और ये फिल्टर सिस्टम है। हाँ हाँ, ये पूरा कवर टैंक। अच्छा, टैंक के पूरे नीचे से। हाँ, नीचे 40 फीट गहरा टैंक है। अच्छा, ये जो ऐसे गोल गोल बने हुए। नहीं, ये पूरा ही टैंक है। अच्छा, ये पूरा ही टैंक है। अच्छा, तो ये 40 फीट गहरा है। अच्छा, लंबा 130 फीट चौड़ा। अच्छा, ओके। यहाँ से लेके गई, पानी का रास्ता उधर से और खजाने का रास्ता आमेर महल से टनल हुआ। ओके ओके ओके। उस टाइम पे राजा थे सवाई भवानी सिंह जी और माता थी गायत्री। दोनों उनसे पूछा गया कि आप किले के अंदर खजाना है, तो उन्होंने मना कर दिया। प्यार जेल में बंद कर दिया था उनसे, मना करने के बाद। फिर किले को 6 महीने के लिए बंद कर दिया और इसकी टेस्टिंग की। टेस्टिंग करने के बाद पता चला तो आर्मी लेके आई, पानी बाहर निकाला और खुद के खजाना निकाला। और वो आ गए सामने डस्टिंग पानी का टैंक। ओके, अभी भी पानी भरा हुआ और उसमें सैनिक रहते थे। ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा पानी भरा है। हाँ, इधर से देखो सामने से दिखे, यहीं से दिख जाए। हाँ, दिखता है। इसमें एक्चुअल पानी नहीं है, बारिश का। अच्छा, ये देखो इसमें भी खजाना था। ओके, इसमें 1727 में जयसिंह जी ने जयपुर बसाया था, तो उस खजाने से बसाया था। अच्छा, ओके। उसमें 9 रूम बने हुए, तो जो भी इसमें खजाना था उससे जयपुर सिटी बसाया था। अच्छा, ओके। अच्छा, इस खजाने से जयपुर सिटी बस गई। अच्छा, ओके। और इसको इंदिरा गांधी लेगी। अच्छा, इसमें से। और ये रूम देख रहे हो आप, उस जमाने में सैनिक रहते थे, उनके अंदर अभी भी गांव वाले रहते हैं। यहाँ के राजा हैं, उनके पास में अभी 4 प्रॉपर्टी बची और सारी गवर्नमेंट के अंदर चले। चार में सिटी पैलेस देखा था। हाँ जी, हाफ पार्ट में वो रहते हैं, हाफ में म्यूजियम बना है। आमेर महल देखा? नहीं, अभी नहीं, अभी वही जा रहे हैं अभी। तो आमेर महल में शिला माता का मंदिर है। एवरी डे एक बकरी की बलि होती है, वो राजा की तरफ से होती है और वो मंदिर राजा के अंदर है। ओके, और ये किला भी उन्हीं के अंदर में है। और एक इधर गांव है सागर करके, वो राजा के अंदर में है पूरा गांव। वो 450 साल पहले राजा के लिए काम करता था, मुल्तानी मिट्टी रहती थी उसमें कपड़े पहने नौ बच्चा। ओके, और सिर के एक बाल से पेंटिंग करते थे, कैमल लेदर शूज बनाते थे जो मेडिकल के काम आते थे, घुटने वगैरह के दर्द में। और अभी वो लोग काम करते हैं। आमेर में राजा रहते थे, ये डिफेंस के लिए बनाया सैनिक राजा की सुरक्षा। कासिम देव ने गजा चलते 1720 में कम्प्लीट हुआ था, 700 साल लगे थे इसको। ये जयगढ़ वाला, ये जयगढ़ 700 साल रहते थे आमेर वाला। अच्छा, रहते उसमें थे। ये डिफेंस के लिए बनाया था। अच्छा, डिफेंस के लिए। अच्छा, अब अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं होगी ना। अंकल ने यहाँ पे हमें बहुत सारी जानकारी दी जो आपने थोड़ी बहुत सुनी होगी, जितनी आवाज क्लियर आई होगी पता नहीं।
तो इस महल को डिफेंस के लिए बनाया गया था। बहुत ज़्यादा यहाँ सोना था, मतलब खजाना था, जिससे जयपुर सिटी भी बसी है। तो यहाँ का जो खजाना था वो इंदिरा गांधी जी भी लेके गई थी, इसके चक्कर में उन्हें जेल भी हुई थी। वही अभी अंकल जी वो बात बता रहे थे। तो ये आमेर फोर्ट है, वहाँ पे हम अभी जाएंगे इसके बाद। तो वहाँ से इसका रास्ता, वहाँ से लेके गए थे ये सारा खजाना। तो 1726 में महाराज जय सिंह द्वारा ये फोर्ट पूरा बनवाया गया, मतलब ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया था। चलते हैं यहाँ की सबसे बड़ी, उस जमाने की विश्व की सबसे बड़ी कैनन के पास, जिसका नाम है जयवान तोप, जयवान कैनन। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कितनी बड़ी वो तोप थी उस जमाने की। इसकी नाल की लंबाई 20 फीट, गोलाई 8 फीट 7.5 इंच और वजन 50 टन है। तोप को एक बार भरने के लिए 100 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता होती है। इसकी मारक क्षमता 22 मील पाई गई है। तोप कैनन। महाराजा जय सिंह ने इस किले को अपने डिफेंस के लिए बनाया था। यहाँ पर तोप भी बनती थी, उनका एक कारखाना था तोप बनाने का, जहाँ पे उन्होंने ये विश्व की सबसे बड़ी तोप बनाई थी उस जमाने की। और यहाँ पे अभी म्यूजियम है जहाँ पे बहुत सारी तोप हैं, तो अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे। और ये जो छोटी छोटी खिड़कियाँ आप देख रहे होंगे, ये महाराजा ने अपने डिफेंस के लिए बनाए थे कि जैसे कोई अगर उन पर हमला करने आए तो यहीं से देख सके। तो काफी लंबा ये किला है अगर आप यहाँ घूमने आते हो तो। बेटर रहेगा कि आप अपनी कार से आओ, कार से ही घूमो अगर आपके पास कार है। नहीं तो फिर हमारे पास तो थी, हमने बाहर ही खड़ी की है, हम पैदल ही जा रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पे कार से जा रहे हैं। व्यू बड़ा ही गजब है यहाँ से। आ जाओ, यहाँ पे हम राजस्थानी ड्रेस में फोटो शूट करवाते हैं, जहाँ पे वो फोटो वीडियो अलाउड नहीं है। तो अभी हम चल चल के काफ़ी थक गए हैं, तो थोड़ा यहाँ पे रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। ले लो चाय पी लेते हैं, मतलब चाय 4:30 तो हो ही गई है। तो ये है वो कैनन जो आपको यहाँ पे दिखेंगे बहुत सारी, जो यहीं पे बनी है इसी महल के अंदर। ज्यादातर जो कैनन है ना जय सिंह के काल की, महाराजा जय सिंह, ये आ गया था यहाँ पे माधव सिंह। जय भगवान। राइफल सिंहवान जी के, महाराजा महाराजा ईश्वरी सिंह जी के टाइम का। ओह माय गॉड। ये नीचे नीचे देखो जो गोला डालते हैं उसमें। बाहर निकलना है।
पैसा नहीं लेता बच्चा। तो यहाँ अंदर ही एक प्यारा सा मंदिर बनाया गया है भैरव जी का। चलिए गाइस इस फोर्ट से बाहर निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ये फोर्ट है और पता नहीं हमें हमने पूरा घूमा या नहीं, लेकिन हमें आमेर फोर्ट भी जाना है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं। इतना टाइम नहीं है, हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि अब हमने दिल्ली के लिए निकलना है वापस गुड़गांव के लिए। आपको यहाँ घूम के कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत थकावट वाला फील था, थक गए बहुत ज़्यादा ऑलरेडी क्योंकि बहुत बड़ी जगह थी। हाँ और हमें ये भी नहीं आया कि हम पता है हमको कि हम पूरा पता है कि हमने पूरी जगह भी घूमी नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि तो अभी आमेर फोर्ट भी जाना है और घर भी जाना है। तो ओके गाइज अब हम जा रहे हैं यहाँ से आमेर फोर्ट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।